गुड मॉर्निंग। आज हम घूमने जा रहे हैं धर्मकोट और मैक्लोडगंज। धर्मकोट एक छोटा सा हिप्पी गांव है मैक्लोडगंज से कुछ 2 मील ऊपर। यहां से कांगड़ा वैली और धौलाधार रेंज के वाइड व्यूज दिख जाते हैं। यहां पे इजरायली टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं और धर्मकोट टेल अवीव ऑफ हिल्स भी माना जाता है। यहाँ विपासना मेडिटेशन सेंटर भी है और उसी के बगल में तुषिता मेडिटेशन सेंटर भी है। जनरली यहाँ बैकपैकर्स, हाइकर्स या वो लोग जो बुद्धिज़्म के बारे में सीखना चाहते हैं वो आते हैं। धर्मकोट से त्रियुन की हाइक भी पास पड़ती है तो काफ़ी हाइकर्स यहाँ तक आते हैं। आज हम लंच पे मॉर्गन्स कैफ़े जा रहे हैं। इस कैफ़े का थीम एलिस इन वंडरलैंड टाइप्स है। मेन्यू मोस्टली इटालियन है पर कुछ मेडिटेरेनियन ऑप्शंस भी हैं। खाना एक तरफ, यहाँ से व्यू ही है यहाँ की यूएसपी। बेस्ट पार्ट, यहाँ पे वुड फायर्ड पिज्जाज मिलते हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है, मेरा खाने में कम इंटरेस्ट था और व्यू में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस टाइम तक धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लग पड़ा था और मैंने लाइफ में पहली बार ममाटिस क्लाउड फॉर्मेशंस देखे।
अमेजिंग। यहाँ से हम मैक्लोडगंज की तरफ निकल गए। मैक्लोडगंज धर्मशाला का एक सबर्ब है और लिटिल लासा के नाम से भी जाना जाता है। टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का हेडक्वार्टर्स भी यहीं है और सबसे पॉपुलर दलाई लामा का मंदिर भी यहीं है। मैक्लोडगंज का नाम सर डोनाल्ड मैक्लाउड के नाम से बना है। टेक्निकली मैक्लाउडगंज होना चाहिए पर यहाँ के लोकल्स मैक्लोडगंज ही बोलते हैं। गंज मतलब नेबरहुड। 1960 में टिबेटन्स के 14th दलाई लामा अपने लोगों को लेके जब तिब्बत छोड़ के भागे तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें धर्मशाला में पनाह दी। दलाई लामा का ऑफिशियल रेजिडेंस भी मैक्लोडगंज में है और कई सारे टिबेटन मॉनेस्ट्रीज और हज़ारों टिबेटन रिफ्यूजीज भी यहीं रहते हैं। प्रेयर व्हील को घुमाने से पुण्य मिलता है और बुरे कर्म कटते हैं और मोमोज खाने से अक्कू का पेट खुश होता है। और अगर किसी को पता है इस हर्ब का नाम क्या है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई अश्योर यू ये वीड नहीं है बट मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका नाम क्या है। मैक्लोडगंज की स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ के टिबेटन हैंडीक्राफ्ट्स, एंटीक आइटम्स और गारमेंट्स एंड ज्वेलरी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। मैक्लोडगंज सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, खाने के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली डिज़र्ट्स के लिए जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। धर्मशाला स्काईवे अभी नया नया बना है। ये सिर्फ एक 1.8 किलोमीटर्स का रोप वे है जो आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देता है। इसकी वन वे एंट्री 300 रुपये की है और अगर आपको रिटर्न ट्रिप करनी है तो 500 रुपये की है। अब हम पहुंच गए हैं दलाई लामा के टेंपल, इसे नमयल मॉनेस्ट्री भी कहते हैं। ये एक मॉनेस्ट्री के साथ साथ तांत्रिक कॉलेज भी है और दलाई लामा का घर भी है। अंदर एक म्यूज़ियम और एक लाइब्रेरी है जिसमें तिब्बतन हिस्ट्री और कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये रिलीजियस और हिस्टोरिकल के साथ साथ पॉलिटिकल हेडक्वार्टर भी है। और याद रखें कि अंदर बिना मास्क के जाने नहीं देते, बट एक बार आप अंदर चले गए तो मुझे कोई नज़र नहीं आया जिसने ये रूल फॉलो किया हो।
बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आपने कभी मॉनेस्ट्री नहीं देखी है तो डेफिनेटली यहाँ आएँ। पर एक बात याद रखें, यहाँ बहुत टूरिस्ट आता है, तो अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो आपको गारंटीड ट्रैफिक जैम मिलेगा ही मिलेगा। मेरे हिसाब से अब क्योंकि ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है कि आप धर्मशाला से रोपवे लें और मैक्लोडगंज तक आएँ। लेकिन एक और चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं और अगर मौसम ख़राब हो जाए तो रोपवे बंद हो जाता है, तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में लेके चलिए। वेदर देखिए और आप उस हिसाब से प्लान करिए कि आज मौसम ठीक है तो आज हम रोपवे ले सकते हैं। जैसे जिस दिन हम आए हैं आज यहाँ बारिश हो गई और बहुत मौसम ख़राब था, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने केबल कार जो है वो रोक दी है। अब ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं करी गई है, ना मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है। ये लिटरली जो क्लाउड्स जा रहे हैं इसी स्पीड से जा रहे हैं। मैं ये ही कैप्चर करने के लिए वहीं खड़ी हो गई थी। ये है हमारे आज के दिन का फाइनल डेस्टिनेशन, नोरबुलिंग का कैफ़े। आज हम चल चल के थक गए हैं तो अब हम यहाँ बैठेंगे कुछ देर, डिज़र्ट्स खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे और फिर घर को जाएंगे। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है और अच्छी कॉफ़ी पीनी है तो ये ही सही जगह है। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी कॉफ़ी पी यहाँ पे। डिज़र्ट्स भी ठीक थे, बट आई वुड से कॉफ़ी यहाँ का सेलिंग पॉइंट है मेरे लिए। अगर मैं कभी वापस आई तो मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने आऊँगी यहाँ पे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और अपडेट्स के बारे में पता चले। Thank you for watching. Bye.